ग्वालियर में शताब्दी पुरम के पीछे जीडीए की जमीन पर कब्जा हटाने गए जीडीए के अधिकारियों पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। सभी अतिक्रमणकारी एकत्रित हो गए और हमला कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने जीडीए की टीम पर पथराव किया और उनको वहां से खदेड़ दिया। घटना मंगलवार दोपहर बाद की है। इसके बाद जीडीए ने आधा सैकड़ा से अधिक अतिक्रमणकारियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। सभी अतिक्रमणकारी शहर के बाहर के बताए जा रहे हैं। जीडीए ने पुलिस को भी शिकायत आवेदन दे दिया है। जीडीए के सीईओ का कहना है कि अतिक्रमणकारी शहर से बाहर के हैं, यानी दूसरे जिलों के हैं। साथ कुछ भूमाफिया इन लोगों के माध्यम से जीडीए की जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर अतिक्रमणकारियों के हंगामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे जीडीए की टीम पर महिलाओं के साथ अभद्र करने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में अतिक्रमणकारी अमले के साथ तनातनी करते हुए भी देखे जा रहे हैं। पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। कल शाम को मुझे सूचना मिली थी कि शताब्दीपुरम फेज 4 में जीडीए की जो भूमि है उस पर कुछ लोग अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं, तो मैंने रात में ही अपने स्टाफ को बताया और ये सुबह देखने गए थे तो ये कंफर्म करने ही गए थे कि ये जीडीए की भूमि है। तो लोगों ने वहाँ कुछ न्यूसेंस करने की कोशिश की जो अतिक्रामक हैं, और ये कन्फर्म हुआ कि वो शासन के द्वारा जीडीए को आवंटित भूमि है, बाहर से आए लोग हैं। और ये भी सूचना मिली है कि कुछ लोग वहाँ अनधिकृत रूप से बसाने का काम कर रहे हैं इन बाहर से आए लोगों को। तो इसके लिए जब इन्होंने पूछताछ की तो लोगों ने वहाँ थोड़ा पथराव करने की कोशिश की, इन्होंने समझाया, उसके बाद थाने में जाके आवेदन दिया। लोग भी गए थे और हमारा स्टाफ भी गया है। अब आगे प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के सहयोग से विधिवत उसको अतिक्रमण को पूरी तरह हटाएंगे। अब ये तो एकदम ज़मीन तो हमारी वहाँ बहुत बड़ी है, क्योंकि शताब्दीपुरम 4 फेज में तैयार होने वाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी 4th फेज का काम पेंडिंग है। तो अभी जो मुझे शिकायतकर्ता ने जो बताया था कि लगभग 50-75 लोग वहाँ अतिक्रमण की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक जगह देख कर आए हैं। आगे मैं उसका सर्वे करा के और फिर अतिक्रमण की स्थिति को रिमूव करूँ।